निकासी का मामला हो, सीए का मामला हो, लॉकडाउन का मामला हो या कोरोना का दौर, जब हर इंसान को अपनी अपनी बड़ी रहती है, ऐसी मुसीबत हमेशा जान माल वक्त आराम सुकून इन चीज़ों को बालाए ताक रखकर इंतहाई खुदसुविदाहियत के साथ हमेशा अपने रिश्तेदारा कौन की मुसीबत की भीड़ ने यकीनन कौन की मदद के है सहारा दिया है उन्हीं ज़रूरतों में से आज भी को याद करना और तारीख की अवराक को पढ़ना और तारीख हमारे सामने याद आ जाना। आज रमजान के मौके पर जो इफ्तिताह यहाँ पर किया गया है, मैं इस मौके पर अल्लाह ताला से साफ से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ पे 26 जनवरी के दिन अंजुमन इस्लाम बेलगाम में सारे ज़िम्मेदार राजू सेठ साहब के सदारत में और उलमाओं के नक्श कदम पे चलने की एक तरकीब ले करके बैठे हैं। बहुत से लोग जुड़े हैं इसके साथ में और ज़रूरी इसलिए है कि इसमें आपकी और हमारी दोनों की भलाई दाव पे लगी है। आज की तारीख में एक ही बात आपको बताएंगे कि बीमारी चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो, जब घर के बड़ों पे असर करती है तो वो हफ्ते की रोज़ी रोटी काम पे न जाने के वजह से रुक जाती है और दवाई के अखराजात के वजह से उसके अगले हफ्ते की भी रुक जाती है, जहाँ रोज़ इंसान कमा के खाता है। हमारी अच्छाई चाहे हैं, हमारी बीमारियों के वक्त पे उन्होंने अपनी दुआओं से हमने ठीक करवाया है, दवा से ज़्यादा। 100 के तादाद में नौजवान और बुज़ुर्ग आपके खिदमत के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे के रोज़ अंजुमन इस्लाम में एक मेडिकल कैंप स्टार्ट किए हैं। ये कैंप रोज़ दोपहर 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलता रहेगा। आपको अगर कोई भी शिकायत है कि आप यहाँ पे आइए, हमारे डॉक्टर्स 4 बजे से 10 बजे तक मौजूद रहेंगे, हमारे टीम के मेंबर्स मौजूद रहेंगे और जो भी आपका डायग्नोसिस होगा या जो भी तकलीफ़ात रहेंगे उसके ट्रीटमेंट में हाथ भी बढ़ाएंगे और जो भी दवाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो ज़रूरतमंद है उनको दवाई भी यहाँ से दी जाएगी। अंजुमन इस्लाम जैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव कभी धर्म क्या है या कौन सी जाति क्या है नहीं देखा है। आज भी इसी तरह जो भी अंदर आएगा, हम सिर्फ ह्यूमैनिटी देखते हैं, ह्यूमन वजह से हम काम करते हैं और यहाँ पे जो भी आएगा उसका इलाज हो। और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे अंजुमन के ऑफिस को आइए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आवाज़ को इन तक पहुंचाता हूं, इनकी आवाज़ को कौम तक पहुंचाना मेरा काम है। हमारी उम्मीद है आपसे, चाहे बड़े पैमाने पर न सही, कम से कम ये इस वक्त जो है छोटा सा क्लिनिक मुस्तकिल तौर पर हमारा शुरू हो जाए, ये हमारी उम्मीद, मेरी उम्मीद नहीं पूरी कौम की उम्मीद है और आपसे वाबस्ता है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की जात से भी और सेठ साहब से भी। शेठ साहब में आजिजी, इनकी सारी तवाजो हमने वो देखी है जो और सेठों में हमने नहीं देखी, इसलिए इनसे बहुत ज्यादा हमें उम्मीद है। तो हम चाहते हैं कि इनकी हयाती, हम बार बार उस मरतबे में मैं दुआ किया था कि अल्लाह इनकी उम्र को उस वक्त तक जिंदा रखे इनको, जब तक ये मेडिकल लाइन में हमारे जरूरत का जितना काम है वो पूरा जब तक नहीं होता तक मैं शेठ साहब के लिए दुआ किया था कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। वाह, इस्लाम जनाब के सरदार
और हकीम की जानिब से आप तमाम हजरात कराम का तहदील से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अदीमुल फुर्सत होने के बावजूद इस तकरीब में शिरकत फरमाए और जरीन खयाल से आप सुनकर जो है इस पर अमल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करें।